वालेकुम नमस्ते, निखिल बेगम का लजीज किचन में आपका स्वागत है व्यूअर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मटन रखा हुआ, आलू रखा हुआ। तो देखिए, ये चंद्रमुखी आलू है, ये मटन है। तो 2 किलो मटन हमने लिया है। आज हम एक बड़ा जबरदस्त डिश बनाने जा रही हैं, एक चीज में दो चीज। तो एक डिश में दो डिश कैसे बनेगा, हम आपको दिखाएंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये मटन ग्रेवी हम बनाने जा रहे हैं आलू देके। इसका वीडियो हमारा छोड़ा हुआ, आप लिंक में जाके हमारा चैनल में चेक कर सकते हैं, बहुत सा वीडियो छोड़ा हुआ। तो देखिए, यहाँ पे हम मटन लिए हैं 2 किलो। इसको हम आलू देके मटन ग्रेवी बनाएंगे, उसका बाद हम मटन पराठा उसी में से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, क्या क्या लगेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे 2 किलो मटन है, 2 किलो आलू है। अदरक का पेस्ट हमने लिया है तकरीबन 4 चम्मच, लहसुन का पेस्ट लिया है 4 चम्मच, 5 मीडियम साइज का प्याज हमने बारीक काट लिया है। अब देखिए, चूल्हा में हम बैठा दिए हैं कढ़ाई। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, तेल भी गर्म हो रहा है, हाई फ्लेम में है। अब इसमें हम आलू फ्राई करेंगे, आलू दे के गोल्डन ब्राउन आलू फ्राई करेंगे। तो अब आलू देते हैं। देखिए, कढ़ाई में हमने तेल दे दिया है तकरीबन 100 ग्राम। अब उसमें हम ऐड कर देंगे आलू। देखिए, आलू हमने छील के धो के बढ़िया से इसका पानी सोख लिया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच लगभग नमक ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच लगभग हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें, 1/2 चम्मच गोल्डन ब्राउन होने तक चला के बढ़िया से हम फ्राई करेंगे। फ्लेम हमारा हाई है, हाई फ्लेम में हम फ्राई करेंगे। तो अभी हम ये हल्दी नमक बढ़िया से इसका मिक्स कर लेंगे। देखिए, मिक्स हो गया है। अब इसी टाइप का हल्का हल्का हम चलाते चलाते इसको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। जैसे कि देख सकते हैं आप, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट में हम इसको फ्राई किए हैं, फ्राई की ज्यादा है। अब क्या करेंगे, मटन हम इसमें ऐड कर देंगे। मटन देते ही संग संग हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, नहीं तो मटन जब फ्राई कीजिएगा बिना नमक का तो फीका टाइप का लगेगा, वो टेस्ट नहीं आएगा। अब इसमें बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, आपको अगर बनाने में कोई भी चीज़ में तकलीफ होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फिर खाना बनाने का बारे में जो भी पूछिएगा हम बताएंगे। अगर कोई भी आपको जैसे लग रहा प्रॉब्लम हो रहा तो आप हमसे सॉल्व कर सकते हैं खाना बनाने का लेके, हम इजी से बता देंगे, आपका इजी से बन जाएगा। और एक मैसेज देना हम चाहते हैं यूट्यूब को, अगर हमसे कोई वीडियो बनाने में जैसे डिश बनाते हैं कोई भूल चूक हो रहा है कि जैसे लग रहा है जो हाँ ये चीज़ ऐसा होना चाहिए, तो यूट्यूब को हम मैसेज करते हैं जो हाँ वो हमें बताएं जो हाँ आपसे ये चीज़ गलत हो रहा है, इसको आप इस टाइप का कीजिए। ताकि हमारा वीडियो देखिए, हम बहुत छोड़ चुके हैं लेकिन हमारा ग्रोथ आगे नहीं बढ़ रहा, वीडियो आगे नहीं बढ़ रहा। तो प्लीज़ हमारा वीडियो को दूर दूर तक आप ग्रोथ बढ़ाइए, आगे पहुँचाइए चैनल। ये देखिए, इसका हम बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं, ये पानी छोड़ेगा अभी। इसको भी हम हल्का फ्राई करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। अभी ये पानी छोड़ के सूखने तक हम फ्राई करेंगे। और जैसे कि देख सकते हैं, ये फ्राई हो चुका है, ये देखिए तेल छोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन का पेस्ट थोड़ा मटन चिकन में ज़्यादा पड़े तो अच्छा लगता है। अब इसको भी हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट। ये देखिए, 1 मिनट हो गया है। अब क्या करेंगे, अदरक ऐड कर देंगे। अदरक भी हमने भर के लिया है 3 चम्मच। सारा मसाला पोंच के हम इसे ऐड कर देंगे। और इसको बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे।
देखिए अदरक हमें मिक्स कर दिए है। अब ऐड करेंगे गोंडा मसाला। तो गोंडा मसाला में देखिए लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। अब अपना स्वाद अनुसार सामान का क्वांटिटी का हिसाब से यूज कीजिएगा, कम बेसी कर सकते हैं। गोल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। इसमें झाल नहीं होता है, सिर्फ कलर आता है। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। अब ये सारा मसाला हम इसमें मिक्स करेंगे। बढ़िया से पूरा इसमें मिक्स हो जाना चाहिए। तो देखिए ये मिक्स होके आ गया है। ये देखिए अभी इसको हम थोड़ा सा और मिक्स करेंगे। क्योंकि इसको हमको पराठा का संग ग्रेवी भी बना के खाना है। ये देखिए इसको हम मसाला सारा ऐड करके तकरीबन 1.5 मिनट हम इसको फ्राई किए हैं। अब इसमें हम फाइनल ये फ्राई हो गया है, फाइनल हम पानी इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 2 लीटर पानी ऐड करेंगे। ये 1 लीटर का जग है, हम इसमें 2 लीटर पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मटन जो है वो बढ़िया से बढ़िया गल जाए। तो देखिए 2 लीटर पानी हम ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम नमक फाइनली ऐड करेंगे। हम पहले 1/2 चम्मच दिए हैं, अभी हम 1.5 चम्मच नमक इसमें ऐड करेंगे। ये हो गया हमारा फाइनल नमक। तो टोटल 2 चम्मच नमक इसमें हमारा लगा है। आलू को लेके पकड़िएगा तो 2.5 चम्मच इसमें सॉल्ट हम ऐड किए, क्योंकि आलू फ्राई करते वक्त हमने दिया था नमक। तो बढ़िया से पानी में हम घोल लेंगे। देखिए ये बन गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम ढक के पकाएंगे अभी 10 मिनट तक। 10 मिनट हो गया है हाई फ्लेम में, इसको अब हम चला लेंगे। देखिए अभी हम इसको और 1/2 घंटा इसमें पकाएंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम में हम पकाएंगे तकरीबन 30 मिनट। ये देखिए यहाँ पे एक बॉल ले लिए हैं। अब हम ले लेंगे एक छन्नी। अब हम ले लेंगे इसमें मैदा। हम 3 कप मैदा लेंगे और इसको बढ़िया से हम चाल लेंगे। आप अपना क्वांटिटी का हिसाब से बनाइएगा। अब यहाँ पे 3 कप मैदा लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। इसमें 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे।
चीनी ऐड करेंगे हाफ चम्मच, एक चम्मच तेल इसमें ऐड करेंगे और इसको बढ़िया से हम मिक्स करेंगे। देखिए अब इसको हम मिक्स कर लेंगे तेल में, पहले चीनी में इस टाइप का। अब इसमें हम एक कप पानी ऐड करेंगे, इसको हम बढ़िया से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। जब तक हमारा मटन हो रहा तब तक हम इसको मिक्स करके रख देंगे। अभी हम और एक कप पानी लेंगे इसमें, पर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, दो कप पानी इसमें चाहिए। से हम मिक्स करेंगे। तो देखिए ये बढ़िया सा सना गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम चारों तरफ दो एक बना लेंगे गोल। अब इसमें हम हाफ चम्मच लगभग तेल ऐड करेंगे, रिफाइन ऑयल तेल हमने पहले भी दिया है। तो ये देखिए अब इसको हम ढक के रख देंगे पौने एक घंटा का लगभग। ये देखिए आधा घंटा हो गया है, फ्लेम हम लो कर दिए हैं, नहीं तो छीटा पड़ेगा। देख सकते हैं मटन हमारा गल के आ गया है। अब जो बचा हुआ है वो हम आलू देने का बात करेगा। तो देखिए अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे, सारा आलू हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको चला लेंगे। अब इसको ढक के हम पकाएंगे और आधा घंटा मीडियम आंच में। ये देखिए अब हो गया है हमारा मटन, देख सकते हैं। देखिए आलू भी डाले थे, आलू भी हमारा सब गल गया है। ये देखिए, ये देखिए मटन भी गल गया है। ये देखिए सब मटन गल चुका है। अब क्या करेंगे, फ्लेम हम पूरा लो कर देंगे। अब मटन हम उतारेंगे इसमें से जो पीस है, पीस हम उतारेंगे इसे। चर्बी वाला जो ये जो तेल टाइप का है इसको हम छोड़ देंगे, सिर्फ पीस देख के मटन उतारेंगे। तेल हम निकाल देंगे, वापस कढ़ाई में रख देंगे। आलू हम निकालेंगे पांच पीस का लगभग। देखिए पीस हम छोटा साइज का किए हैं, एक आलू में चार पीस हम किए हैं। ये देखिए इतना हम लेंगे पराठा के लिए। दो चम्मच हम यहाँ पे ग्रेवी लिए हैं, अब इसको हम बढ़िया से ठंडा कर लेंगे। ये देखिए ये जो हम मटन ग्रेवी का साथ आलू का साथ लिए थे, अब क्या करेंगे, सिर्फ मटन ठोको हम ग्राइंडर में इसको पीस लेंगे। देखिए मटन हमारा गल चुका है, ये देखिए इजी से ग्राइंडर में पिसाई हो जाएगा। अब जो ग्रेवी है ये ग्रेवी हम इसी में थोड़ा सा लेंगे। ये देखिए हम पानी ऐड नहीं करेंगे, हम ग्रेवी ऐड करेंगे। तो देखिए
अब इसको हम ग्राइंडर में पीस लेते हैं। तो ये देखिए इसको हम मिक्स कर लिए हैं, इसी टाइप का होगा, ये देखिए दरदरा। अब आलू हम मिस लेंगे। देखिए इसी टाइप का आलू भी मिसना हो गया हमारा दरदरा। अब क्या करेंगे, मटन ले लेंगे पूरा। आप चाहे तो इसका टिकिया भी बना के खा सकते हैं, टिकिया फ्राई बहुत अच्छा लगेगा, इसका टिकिया फ्राई भी बन जाएगा। अब देखिए इसमें मसाला में हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए दो हरा मिर्चा हमने चॉप कर लिया है, चार कलियां लहसुन इसको भी हमने चॉप कर लिया है, यहाँ पे एक चौथाई भाग हमने अदरक का टुकड़ा लिया था इसको भी हमने चॉप कर लिया है, कसूरी मेथी हाफ चम्मच, चाट मसाला एक टीस्पून, अजवाइन हमने लिया है एक टीस्पून, एक छोटा साइज का प्याज हमने इसको भी हमने चॉप कर लिया है, यहाँ पे देखिए धनिया पत्ता कुछ इसको भी हमने बारीक काट लिया है। अब ये सारा चीज हम इसमें ऐड कर देंगे। पराठा तो बहुत खाए हैं, एक बार इस टाइप का पराठा बना के खाइए। अब इसको बढ़िया से हम मिक्स करेंगे इसमें। तो ये देखिए ये बढ़िया से मिक्स हो गया है, अब इसको कर देंगे साइड। तो ये देखिए एक घंटा ये हो गया, पौने एक घंटा, ये देख सकते हैं एकदम फूल गया है। अब इसको क्या करेंगे, हम सान लेंगे बढ़िया से, इसको हम नीचे रख के सान लेंगे। तो देखिए ये हो गया, नीचे में थोड़ा सा हम मैदा छिट लेंगे और इसको हम चारों तरफ इस टाइप का एक डो बना लेंगे। अब इसका हम थोड़ा बड़ा बड़ा डो बना लेंगे, एकदम पराठा का डो जो होता है बड़ा बड़ा, हम उसी टाइप का बनाएंगे। आप चाहे तो चाकू का जरिया भी काट लीजिएगा। तो देखिए ये बन के रेडी हो गया है डो, अब इसको हम साइड करेंगे। पहले इसको हम गोल करेंगे इस टाइप का, इसको हम थोड़ा फैला लेंगे इस टाइप का। ये देखिए कटोरी टाइप का इसको हम फैला लेंगे। अब ये जो है
हमने बना के रखा है। इसमें से हम एक चम्मच लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे, ये देखिए। अब इसको इस टाइप का हम फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए, ये हो गया। फिर इसको हम गोल कर लेंगे, इसको इस टाइप का चाट देंगे, थोड़ा सा सेक देते हैं। ये देखिए, हाथ में थोड़ा सा हम मैदा लगा लेंगे, इस टाइप का, तो आपका हाथ में ये चिपकेगा नहीं। हम सिर्फ मैदा में ही बनाएंगे, आप चाहे तो आटा देके भी बना सकते हैं पराठे। अब इसको हम बेल लेंगे, एकदम हल्का हाथों में इसको हम बेल लेंगे। थोड़ा सा ऊपर में मैदा लगा देंगे, थोड़ा सा नीचे में मैदा लगा देंगे, ताकि कहीं पर चिपके नहीं। ये देखिए, इसी टाइप का। अब किनारा से हम इसको फैला लेंगे, इस टाइप का। थोड़ा थोड़ा मैदा देते हुए इसको हम बेल लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा सेफ आ गया है। अब जो ये जो ऊपर का पोजीशन छोड़ा है, ये मैदा नहीं लगने का कारण हुआ है। अब इसको भी हम इसी टाइप का दोनों साइड रख के बेल लेंगे। देखिए, ये बन के रेडी हो गया। अब चलिए चूल्हा का तरफ। तो ये देखिए, चूल्हा पे हम पैन बैठा दिए हैं। पैन हमारा गरम हो चुका है। अब एक बटर हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए, इस साइज का हम बटर यूज करेंगे। पहले हम बटर दे देंगे। चारों तरफ इसको हम घुमा लेंगे, फिर इसको हम निकाल लेंगे। अब देखिए, पराठा जो बेल के रखे थे, ये देखिए पराठा जो बेल के रखे थे, अब इसको हम उठाएंगे इस टाइप का। अब इसमें हम ऐड कर देंगे, ये देखिए, मीडियम आंच में ही हम इसको पकाएंगे। तो देखिए, पैन जैसे कि हमारा गरम है, अब इसको हम इस टाइप का हिलाते रहेंगे। अब चारों तरफ घुमा फिरा के एक मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, एक मिनट हो गया है। फ्लेम अब हम हाई कर दिए थोड़ा सा। अब इसको पलट लेंगे। अब जो ये छोटा साइज का जो हम रखे थे, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम पराठा उठाएंगे और इसको बीच में हम दे देंगे। फिर इसको हम हिलाते हुए इस टाइप का चारों तरफ फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, ये भी एक मिनट हमने फ्राई किया है। अब इसको हम पलट लेंगे। तो ये देखिए, अब दूसरा साइड भी हम और ऐसे ही लाल करेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट एकदम। फ्लेम हम हाई कर दिए हैं। ये मार्बल कटिंग वाला पैन है, इसमें टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। ये देखिए, दूसरा साइड भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है।
ये साइड भी देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, ये पराठा हो गया है। अब हम इसको उतार लेते हैं, दूसरा हम बनाते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, ये देखिए मटन पराठा हमारा बनके रेडी हो गया। अब दूसरा चलिए बनाते हैं। दूसरा देखिए हम बेल के प्लेट में रख लिए हैं, ये देखिए ये तेल से हम बेले हैं, वो हम मैदा का गुणा लेके बेले थे, ये हम तेल से बेले हैं, इसको हम डायरेक्ट रख देंगे। इसको उठाएंगे इस टाइप का, अब इसको हम रख देंगे, ये देखिए अब इसको हम हल्का सेकेंगे, उसका बाद हम बटर देंगे। इसको भी सेक लिए हम उसी टाइप का, छोटा लोया बनाए थे छोटा ही बनाए हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से हम बटर दे देंगे, ये देखिए साइड में बटर दे देंगे। चारों तरफ घुमा लेंगे और इसको बीच में कर देंगे, ये देखिए दूसरा साइड हम पलट लेंगे। इसी टाइप का घुमा घुमा के कीजिए, वो अपने ही फ्राई हो जाएगा। तो ये देखिए ये बन गया है, इसी टाइप का सारा हम पराठा बना के आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए पराठा हमारा बन के रेडी हो गया, अब उतार लेंगे। पराठा बन चुका है, अब देखिए ये जो हम बैटर बनाए थे मटन आलू का, इसको क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, इसको हम तीन पीस कर लेंगे, ये देखिए गोल गोल कर लेंगे, शेप दे देंगे लोया का तरह, ये देखिए जितना अच्छा सा शेप दीजिएगा उतना अच्छा ये बैठेगा, ये देखिए। अब इसको हम टिकिया का शेप दे देंगे, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं, चाहे कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, एक चम्मच दो चम्मच। अब देखिए बढ़िया से हाथों का जरिया इसको हम शेप दे देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर, ये टिकिया को हम इस टाइप का इसमें बैठाते जाएंगे, एकदम इजी से आप एक चीज से कितना चीज खा सकते हैं, फॉलो करते रहिए बनाते रहिए। अब इसको धीमी आंच में हम पकाएंगे जब तक ये दोनों साइड गोल्डन ब्राउन नहीं हो जा रहा। तो देखिए सामान का सामान भी बच गया और डिश का डिश भी नया तरीका से बन गया और उसका मजा भी आप ले सकते हैं। तो ये देखिए अब इसको हम पलट देंगे, कहीं की एक मिनट हो गया है, एकदम हल्का हाथों से इसको हम पलट लेंगे, ये देखिए फिर एक मिनट हम इसको छोड़ देंगे। तो ये देखिए दूसरा साइड भी हमारा हो गया है, इसको पलट लेंगे, ये देखिए ये बनके रेडी हो गया है। अब इसको हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, अब उतार के आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा पराठा भी बन के रेडी हो गया, हमारा टिकिया भी बन के रेडी हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं इसी टाइप का बना के ये डिनर भी कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, नाश्ता भी बोलिए इसको, शाम का नाश्ता सुबह का नाश्ता कुछ भी करके खा सकते हैं। तो देखिए बड़ा मेहनत से हम बनाए आपके लिए, मेरे लिए तो बहुत इजी है लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मेहनत होगा, क्योंकि अगर आप नया होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मेहनत लगेगा, फिर भी एक बार ट्राई कीजिए और बना के खाइए, देखिएगा एक बार खाइएगा बार बार खाने का मन करेगा, क्योंकि जितना लगन से हम बनाए हैं
उससे कहीं ज्यादा लगन से आप खाइएगा, क्योंकि ये इतना टेस्टी होता है ये मटन पराठा आलू दे के फीके में। तो फिर भी आप बना के खाइए। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।